भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। सबसे पहले आपको और आपके पूरे परिवार को अधिक मास पुरुषोत्तम मास की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयां। आज हम आप सभी को पुरुषोत्तम मास अधिक मास महात्म कथा 16वें अध्याय की सुनवाने जा रहे हैं। अध्याय 16 की कथा आप सभी आज श्रवण करेंगे। 16वें अध्याय की कथा में आज हम सभी प्रवेश करेंगे। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वरहपीडं नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारं विभ्रद्वास कनक कपीशं वैजयंतीं च मालां रंध्रान वेणोर्धर सुधया पूरयन गोप वृंदैः वृंदारण्यं स्वपदरमणं प्रावीशत गीति कीर्तिः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। यम प्रव्रजन्तम अनुपेतमपेत कृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो बिने दुस्तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। मात मेरी श्री राधिका पिता मेरे घनश्याम इन दोनों के चरणन में मेरा बारंबार प्रणाम मेरा बारंबार प्रणाम मेरा बारंबार प्रणाम। मोहिनी मूरत श्याम की वो मन रही समाय जो मेहंदी के पात में लाली रही समाय। धन यौवन एक दिन उड़ जाएंगे जैसे उड़े कपूर मन मूरख तू राम भज क्यों चाटे जग धूर। राम कृष्ण दो एक है अंतर नहीं निमेश इनके नयन गभीर है उनके चपल विशेष। तन पवित्र सेवा किए धन पवित्र कर दान मन पवित्र हरि भजन सो होत त्रिविध कल्याण। राधे तू बड़ भागिनी कौन तपस्या की तीन लोक तारण प्रभु सो तेरे आधीन। बोलिए श्री गिरिराज धरण की जय श्री गोवर्धन नाथ भगवान की जय श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय श्री बाल कृष्ण लाल की जय श्री श्याम सुंदर यमुने महारानी की जय जगद्गुरु श्री वल्लभाधीश की जय श्री गोसाई जी परम दयाल की जय श्री गुरुदेव की जय लाडले लाल की जय आज के आनंद की जय। अब हम सभी पुरुषोत्तम मास अधिक मास के 16वें अध्याय की कथा में प्रवेश करने जा रहे हैं। कल आपने 15वें अध्याय की कथा का श्रवण किया, उसके बाद निरंतर जो आगे की कथा आती है उसमें श्री नारायण बोले कि हे महाप्राज्ञ, हे नारद, वाल्मीकि ऋषि ने जो परम अद्भुत चरित्र दृढ़धनवा राजा से कहा उस चरित्र को मैं तुमसे कहता हूं, ध्यान पूर्वक सुनो। वाल्मीकि ऋषि बोले कि हे दृढ़धनवा, हे महाराज, हमारे वचन को सुनिए। गरुड़ जी ने केशव भगवान की आज्ञा से इस प्रकार ब्राह्मण से श्रेष्ठ कहा। गरुड़ जी बोले कि हे द्विश्रेष्ठ, तुमको 7 जन्म तक पुत्र का सुख नहीं है। यह जो वचन श्री हरि ने भगवान ने कहा है सो इस समय तुमको वैसा ही करना चाहिए। फिर भी प्रभु कृपा से स्वामी की आज्ञा पाकर मैं तुमको पुत्र दूंगा। हे तपोधन, हमारे अंश से तुमको पुत्र की प्राप्ति होगी। जिस पुत्र से गौतमी के साथ तुम मनोरथ को प्राप्त करोगे, किंतु उस पुत्र से होने वाला दुख तुम दोनों को अवश्य ही होगा। हे दुःशार्दुल, तुम धन्य हो जो तुम्हारी बुद्धि श्री हरि भगवान में हुई है। श्री हरि की भक्ति सकाम हो अथवा निष्काम हो,
श्री हरि भगवान दोनों को ही अद्भुत प्रिय होते हैं। मनुष्यों का शरीर जल के बुदबुद के समान क्षण में नाशवान है। उस शरीर को प्राप्त करके जो हृदय में श्री हरि के चरणों का चिंतन करता है वह मनुष्य धन्य है। इस अत्यंत दुस्तर संसार से तारने वाले श्री हरि भगवान के अलावा दूसरा और कोई है ही नहीं। यह श्री हरि भगवान का ही जो है पुण्य प्रताप और उनकी कृपा और उनका आशीर्वाद है। मैंने तुमको पुत्र दिया है। मन में श्री हरि को धारण करके सुखपूर्वक विचारों और उदासीन भाव से संसार के सुखों को अब भोगो। वाल्मीकि ऋषि बोले कि गौतमी और सुदेव दोनों स्त्री पुरुष के देखते देखते उत्तम वर को देकर उसी समय गरुड़ पर सवार होकर भगवान श्री हरि शीघ्र ही वैकुंठ लोक को चले गए। सुदेव शर्मा भी स्त्री के साथ अपने मन के अनुसार पुत्र रूप वर को पाकर के अपने घर को गया और उत्तम गृहस्थ आश्रम के सुख को वह भोगने लगा। कुछ समय व्यतीत होने के बाद गौतमी के गर्भ में एक बालक आ गया और दसम महीना प्राप्त होने पर गर्भ पूर्ण हुआ। प्रसूति काल आने पर गौतमी ने अपने उत्तम पुत्र को उत्पन्न किया और पुत्र के पैदा होने पर सुदेव शर्मा बहुत प्रसन्न हुआ। श्रेष्ठ ब्राह्मणों को बुला करके उस नवजात शिशु का पुत्र का जात कर्म संस्कार करवाया और अच्छी प्रकार से स्नान करके ब्राह्मण श्रेष्ठ सुदेव शर्मा ने उन ब्राह्मणों को बहुत सारा धन का दान किया। ब्राह्मण और स्वजनों के साथ बुद्धिमान सुदेव शर्मा ने नामकरण संस्कार संपन्न करवाया। कृपालु गरुड़ जी ने प्रेम से यह पुत्र के रूप में हुआ है। शरतकालीन चंद्रमा के समान उदय को प्राप्त तेजस्वी यह शुक भगवान के सदृश है, इसलिए मेरा यह प्रिय पुत्र शुकदेव नाम का होगा। माता के मन को आनंद देने वाला यह पुत्र पिता के मनोरथों के साथ साथ शुक्ल पक्ष के चंद्रमा के समान बढ़ने लगा। पिता ने हर्ष के साथ उसका उपनयन संस्कार यानी यज्ञोपवीत संस्कार करवाया, गायत्री मंत्र का उपदेश किया। बाद में वह बालक वेदारंभ संस्कार को प्राप्त करके ब्रह्मचर्य व्रत में स्थित हुआ। उस ब्रह्मचर्य के तेज से युक्त बालक साक्षात दूसरे सूर्य के समान शोभित हुआ। बुद्धि सागर उस बालक ने वेद का अध्ययन आरंभ किया। उस गुरु वत्सल बालक ने सद्बुद्धि से अपने गुरु को प्रसन्न किया और गुरु के एक बार कहने मात्र से समस्त विद्याओं को उसने प्राप्त कर लिया। अलौकिक बुद्धि वाला वह बालक था और वाल्मीकि ऋषि कहते हैं कि एक समय कोटि सूर्य के समान प्रभाव वाले देवल ऋषि वहां पर आए। उनको देख करके हर्ष से सुदेव शर्मा ने साष्टांग दंडवत प्रणाम उन्हें किया। अर्घ्य पाद्य आदि से विधिवत उनका पूजन अर्चन करके देवल मुनि की पूजा की और महात्मा देवल के लिए आसन दिया। अति तेजस्वी देव दर्शन देवल ऋषि उस आसन पर बैठ गए। बाद में अपने चरणों पर बालक को गिरे हुए देख करके देवल ऋषि बोले, अहो हे सुदेव, तुम धन्य हो, तुम्हारे ऊपर भगवान प्रसन्न हुए हैं क्योंकि तुमने दुर्लभ सुंदर श्रेष्ठ पुत्र को उत्पन्न करके प्राप्त किया है। ऐसा विनीत बुद्धिमान बोलने में चतुर वेद पाठी और शीलवान पुत्र कहीं भी किसी के यहां मैंने आज तक नहीं देखा है। हे पुत्र यहां आओ, तुम्हारे साथ मैं यह कौतुक क्या देखता हूं। सुंदर छत्र दो चमर यव रेखा के साथ कमल जानू तक लटकने वाले हाथी के सुंड के समान ये तुम्हारे हाथ कान तक फैले हुए विशाल लाल नेत्र शरीर गोल आकार का त्रिवली से युक्त पेट है। इस प्रकार उस बालक के विषय में कह करके उस ब्राह्मण को उत्कंठित देख करके देवल ऋषि फिर बोले, अहो हे सुदेव, यह तुम्हारा लड़का गुणों का समुद्र है, गुणों की खान है, कंधा और कोक का संधि स्थान गूढ़ है, शंख के समान उतार चढ़ाव युक्त गला गोल है, चिकने टेढ़े शिर के बाल वाला, ऊंची छाती वाला, लंबी गर्दन वाला, बराबर कान वाला, बेल के समान कंधों वाला, इस तरह समस्त शुभ लक्षणों से युक्त यह पुत्र श्रेष्ठ एवं भाग्य की निधि है।
एक ही बहुत बड़ा दोष है जिससे सब व्यर्थ हो गया। इस प्रकार कह करके शिर कांपते हुए श्वास लेकर के देवल ऋषि मुनि बोले, प्रथम आयु की परीक्षा करना, बाद में लक्षणों को कहना चाहिए। आयु से हीन बालक के लक्षणों से क्या प्रयोजन है। हे सुदेव, यह तुम्हारा लड़का 12वें वर्ष में जल में डूब करके मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। इससे तुम मन में शोक नहीं करना। मरणासन्न को दवाई देने के समान उसकी कोई प्रतिक्रिया नहीं है। वाल्मीकि मुनि बोले कि देवल मुनि इस प्रकार कह करके ब्रह्मलोक को वहां से प्रस्थान कर गए और गौतमी के साथ सुदेव ब्राह्मण अचानक पृथ्वी पर गिर पड़ा। पृथ्वी पर पड़ा हुआ देवल ऋषि के कहे हुए वचनों को याद करता हुआ वह चिरकाल तक विलाप करने लगा। बाद में उसकी पत्नी गौतमी धैर्य धारण करती हुई पुत्र को अपनी गोद में लेकर के प्रथम प्रेम से पुत्र का मुख चुंबन करके बाद में अपने पतिदेव से बोली। वह कहती है कि हे द्विजराज, हे स्वामी, होने वाली वस्तु में भय नहीं करना चाहिए। जो नहीं होने वाला है वह कभी नहीं होगा और जो होने वाला है वह होकर रहेगा। क्या राजा नल, रामचंद्र और युधिष्ठिर दुख को प्राप्त नहीं हुए थे? क्या किसी की भी मृत्यु नहीं हुई थी? राजा बलि भी बंधन को प्राप्त हुए थे, यादव नाश को प्राप्त हुए थे, हिरण्याक्ष कठिन वध को प्राप्त हुआ था, वृत्रासुर भी मृत्यु को प्राप्त हुआ था, सहस्त्रार्जुन का शिर काटा गया था, रावण के भी उसी तरह शिर काटे गए थे। हे महामुने, भगवान श्री रामचंद्र भी वन में जानकी के विरह को प्राप्त हुए थे, राजर्षि परीक्षित भी ब्राह्मण से मृत्यु को प्राप्त हुए थे। हे मुनीश्वर, इस प्रकार जो होने वाला है वह अवश्य ही होता है, इसलिए हे नाथ, उठिए और सनातन श्री हरि भगवान का भजन करिए, जो समस्त जीवों के रक्षक है और मोक्ष पद को प्रदान करने वाले हैं। इस प्रकार वाल्मीकि ऋषि बोले, सुदेव शर्मा ने अपनी स्त्री गौतमी के वचन को सुनकर के स्वस्थ होकर के हृदय में हरि भगवान के चरणों का ध्यान करके पुत्र से होने वाले शोक को जल्दी से त्याग दिया। यहाँ पर अधिक मास पुरुषोत्तम मास के 16वें अध्याय की कथा का समापन होता है। इसके आगे की कथा आप सभी 17वें अध्याय में ही श्रवण कर पाएंगे। श्री ब्रह्म नारदीय पुराणे पुरुषोत्तम मास महात्म्ये 16 अध्याय श्री कृष्णार्पणमस्तु। बोलिए श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरे श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम श्री जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजे जानकी मनोहरम सर्वलोक नायकम श्री शंकरादि सेवितम पुण्य नाम कीर्तनम श्री राम 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 नाम तायकम रामकृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्ति दायकम रामकृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण यण वासुदेवा। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री द्वारकाधीश भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री गोवर्धन नाथ भगवान की जय। श्री गिरिराज धरण की जय। श्री बाल कृष्ण लाल की जय। श्री श्याम सुंदर यमुने महारानी की जय। जगत गुरु श्री वल्लभाधीश की जय। श्री गोसाई जी परम दयाल की जय। श्री गुरुदेव की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, सनातन धर्म की जय हो, गौ माता की जय हो, नगर बस्ती की जय हो, आज के आनंद की जय हो, कल के आनंद की जय हो, परसों के आनंद की जय हो, बरसों बरसों के आनंद की जय हो। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव हर, काल हर, कंटक हर, दुख हर, दारिद्र हर, आनंद की लहर कर। भक्तजनों, माताओं, बहनों, यदि आप अधिक मास पुरुषोत्तम माह के निमित्त कथा की दक्षिणा प्रदान करना चाहते हैं
कोई भी दान पुण्य यदि आप करना चाहते हैं तो आप हमारे गूगल पे, फोन पे अथवा पेटीएम नंबर के माध्यम से या अकाउंट नंबर के माध्यम से नगद राशि पहुंचा करके अधिक मास पुरुषोत्तम माह का संपूर्ण पुण्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आप सभी से अनुरोध है कि हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।